तो यार अगर टोनी स्टार्क जिंदा होता, यानी कि अपना आयरन मैन जिंदा होता, तो ये पांच चीजें ना होती। पहला पॉइंट, अगर स्टार्क जिंदा होता तो नो वे होम के जितने भी कांट हैं वो ना होते, ना स्टार्क मरता, ना एडिथ पीटर को देकर जाता, ना मिस्टीरियो आता, ना पीटर और मिस्टीरियो के बीच फाइट होती, ना मिस्टीरियो मरता एंड ना पीटर की आइडेंटिटी सब दुनिया के सामने रिवील होती। एंड गाइस, दूसरा पॉइंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एंड गेम के दौरान हमने देखा था कि टोनी स्टार्क एक टाइम ट्रेवल मशीन बनाता है, तो गाइस ऐसा भी पॉसिबल हो सकता था अगर स्टार्क जिंदा होता तो टाइम ट्रेवल करके बाकी के हाथों अपने मॉम डैड को बचा भी सकता था। एंड गाइस, तीसरा पॉइंट ये है, अगर टोनी स्टार्क जिंदा होता तो वो अपना सिम्बायोट सूट यानी कि एंडोसिम आर्मर भी बना लेता। एंड गाइस, आपको याद होगा कि टोनी स्टार्क के मरने के बाद ही मल्टीवर्स शुरू हुआ था, तो गाइस ऐसा भी पॉसिबल हो सकता था कि टोनी स्टार्क मल्टीवर्स में टाइम ट्रेवल करके वो अपने वेरिएंट यानी कि टॉम क्रूज के आयरन मैन से भी मिल सकता था एंड मल्टीवर्स के कुछ राज भी सुलझा लेता। एंड गाइस, चौथा पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एमजे, नेड एंड बाकी दुनिया को ये भूलना ही नहीं पड़ता कि पीटर पार्कर कौन है। एंड गाइस, एक और चीज, शायद आंट मे भी ना मरती। एंड गाइस, पांचवा पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, पता है क्या है? वो ये है, अगर स्टार्क मरता ही ना तो आज हमारे सामने टोबी मैग्वायर, एंड्रू गारफील्ड एंड पुराने में जितने विलेंस हैं वो ना देखने को मिलते हैं। एंड गाइस, जो आज आप लोग स्पाइडरमैन 4 एंड द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 की डिमांड कर रहे हो वो कभी होती ही ना अगर स्टार्क ना मरता। तो गाइस, पॉसिबिलिटी इतनी है कि वीडियो ख़त्म हो जाएगी। तो गाइस, आपको क्या लगता है कि अगर स्टार्क जिंदा होता तो ये होती और ये ना होती? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर शेयर करना एंड ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ़।